तो 30 अगस्त 2019 आज की डेट दोस्तों, और आज एक बहुत ही बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक सैड न्यूज़ आई है निकल करके कि 2-टाइम मिस्टर ओलंपिया फ्रेंको कोलंबो को हम लोगों ने खो दिया। और एक बहुत ही बड़ा नाम वो थे बॉडी बिल्डिंग के अंदर, हम सब लोग वाकिफ़ है फ्रेंको कोलंबो से, पंपिंग आयरन से, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से, 1970s के बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डर से। और फाइनली आज फ्रेंको कोलंबो नहीं रहे हमारे बीच में, तो ये काफ़ी दुख की बात है कि आज हमने एक लेजेंड को, बॉडी बिल्डिंग लेजेंड को खो दिया। करीबन 78 ईयर्स की उनकी एज थी, 1941 का डेट ऑफ बर्थ था उनका। तो एक्चुअली आर्नोल्ड ने फ्रेंको कोलंबो को बुलाया था 1968 के पीरियड में, इटली में, दोनों इटली के थे फ्रेंको और आर्नोल्ड ऑस्ट्रिया के थे। तो आर्नोल्ड ने जो वीडियो से क्या करके फ्रेंको को बुलाया था US, और ये कह के कि उनको एक ट्रेनिंग पार्टनर की ज़रूरत है, और वो जानते थे फ्रेंको से, उससे पहले मिले थे एक्चुअली 65 के आसपास ये दोनों मिले थे किसी पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में। तो तब से लेकर आज तक आर्नोल्ड की दोस्ती और फ्रेंको की दोस्ती पूरी दुनिया जानती है किस तरह से है। फ्रेंको एक्चुअली बिलोंग करते थे, जैसे कि मैंने बताया, इटली से बिलोंग करते थे, सार्डिनिया नामक एक जगह थी, और कहा यह जा रहा है कि वो इसी जगह पर थे अभी हाल में जब उनकी डेथ हुई, और ये कहा जा रहा है उनकी एक ट्रेजिक डेथ हुई है। शायद वो सी के अंदर यानी समुद्र में कुछ मालूम नहीं, कुछ स्विमिंग कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, और वो शायद डूब करके उनकी मौत हुई है। कंफर्म न्यूज़ अभी तक कुछ नहीं है, तो ये लेकिन बोला जा रहा है कि एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है उनके साथ में। खैर जो भी है, फ्रेंको कोलंबो को हमने गवा दिया, और ये तीसरे मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है जो कि जिनको कि हम खो चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले जो मिस्टर ओलंपिया बने थे यानी कि लैरी स्कॉट 1965-66 के पीरियड में, उनको हमने खो दिया। और उसके बाद में सब लोग जानते हैं सर्जियो ओलिविया जो कि 3 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। और अब फाइनली फ्रेंको कोलंबो 78 ईयर्स की एज में 2-टाइम मिस्टर ओलंपिया, और डेफिनेटली वो मिस्टर यूनिवर्स भी थे, तब ये सब कॉम्पिटिशन्स वो खेला करते थे, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में वो आते थे। सबसे पहला जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का कॉम्पिटिशन हुआ था 77 में, उसमें उन्होंने कम्पीट करा था और 5th प्लेसिंग लेकर के आए थे। सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी उनकी बायोग्राफी में बता रखी है। तो हुआ ये कि आज एक बहुत ही, मैं बोलूँगा, कोइंसिडेंस वाली बात है, क्योंकि दोपहर में आज, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं आज फ्रेंको कोलंबो के बारे में ही बात कर रहा था। इनफैक्ट बात कर रहा था मैं 70s के बॉडी बिल्डिंग के बारे में, कि तब के बॉडी बिल्डर्स लाइक हम लोग देखते थे जो वाटर बैग होता है उसको वो फाड़ दिया करते थे, इतना ज़्यादा उनके लंग्स के अंदर वो प्रेशर वहाँ से एग्जर्ट करते थे, इतने स्ट्रांग उनके लंग्स थे, और इतना हैवी वो बेंच प्रेस, इतने ज़्यादा हैवी वो डेडलिफ्ट्स। कमाल की बात है कि वो 320 किलो के डेडलिफ्ट्स कर लिया करते थे, यानी 700 LBS के आसपास। आर्नोल्ड से ज़्यादा वो वेट लिफ्ट करा करते थे, हर एक रिकॉर्ड्स उनके आर्नोल्ड से ज़्यादा थे, और सबसे छोटे थे फ्रेंको, लगभग 5'4" 5'5" के आसपास थे। तो तब के बॉडी बिल्डर्स ऐसे होते थे कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में भी कम्पीट करते थे, यानी पावर लिफ्टिंग में भी स्ट्रॉन्ग होते थे, बॉडी बिल्डिंग में भी स्ट्रॉन्ग होते थे। आज थोड़ी बॉडी बिल्डिंग एक अलग डायरेक्शन में चली गई है, जो है वो मैं गलत नहीं कह रहा, मैं आज यही बात कर रहा था कि पहले की बॉडी बिल्डिंग किस तरह से डिफरेंट होती थी आज की बॉडी बिल्डिंग से। और पहले जो बॉडी बिल्डर्स बॉडी बिल्डिंग करते थे ना, प्योर पैशन के लिए करते थे। हमें सबको मालूम है कि आर्नोल्ड और फ्रेंको ने एक टाइम ऐसा था जब मिल करके ईंटें उठाई हैं, ब्रिक लेइंग का उन्होंने बिजनेस करा। क्यों करते थे? क्योंकि पैसा नहीं होता था। बॉडी बिल्डिंग में आप जीत रहे हो, आर्नोल्ड फर्स्ट टाइम मिस्टर ओलंपिया बने थे, $500 उनको मिले थे। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि ये बॉडी बिल्डर्स जो कम्पीट करा करते थे ना उस टाइम पर, प्योर सिर्फ और सिर्फ पैशन के लिए करते थे। इनके पास इतना भी पैसा नहीं होता था कि ये बॉडी बिल्डिंग से कोई स्पॉन्सर इनको मिल रहा है या उनको पैसे दे रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोच रहे हैं। आज ऐसा ही है कि बॉडी बिल्डर्स को स्पॉन्सर एक तरह से उनको हेल्प करते हैं पूरी तरह से, और कितना पैसा आज बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में आ चुका है, उस टाइम पर नहीं था। क्यों करते थे ये सब बॉडी बिल्डिंग? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर पैशन होता था कि हमें स्टेज पर खड़े होना है, हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है। उसके साथ में अगर कोई भी काम करना पड़े, कोई और जॉब करनी पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ करने को ये लोग तैयार होते थे। प्योर बॉडी बिल्डिंग का एग्जाम्पल 70s में बोला जाता था, और इसीलिए वो एक गोल्डन एरा था। आर्नोल्ड और फ्रेंको ने मिल करके कितने सारे बिजनेसेस करे हम सब लोग जानते हैं। आर्नोल्ड ने आज एक बहुत ही अच्छा पोस्ट डाला है, मैं चाहूँगा आप सब लोग उसको पढ़ो उनके इंस्टाग्राम पेज पर जाकर के। इसमें से मैं थोड़ा सा लेकिन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने लिखा है, बट आई वॉन्टेड यू टू नो वाई। फ्रॉम द मिनट वी मेट इन म्यूनिच, यू वर माई पार्टनर इन क्राइम। वी पुश्ड ईच अदर, वी कम्पीटेड विद ईच अदर एंड लाफ्ड एट वेरी मोमेंट अलॉन्ग द वे। उसके बाद में ये अमेरिका में जब उन्होंने बुलाया फ्रेंको को, जो वीडियो के कहने से, वो सब बातें इन्होंने लिखी है। उसके बाद आर्नोल्ड ने लिखा है, आई एम डिवास्टेटेड टुडे बट आई एम ऑल्सो सो ग्रेटफुल फॉर द 54 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड जॉय वी शेयर्ड। द पम्प्स यानी कि जब वेट लिफ्टिंग करा करते थे, द चेस गेम्स, कंस्ट्रक्शन वर्क जिसकी मैं अभी बात ही कर रहा था, द मील्स, द प्रैंक्स, लाइफ लेसन्स, हर चीज़ इन्होंने साथ में मिलकर करी। आज तक भी दोस्त बने रहे, अक्सर होता क्या आजकल इतनी लंबी दोस्ती कभी नहीं देखते हम लोग, अक्सर एक दूसरे से जब जब कोई भी कॉम्पिटिटर्स ग्रो करते हैं, एक होता है ना कि पर्सनल रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाते हैं बहुत लोगों के साथ, हमने देखे हैं आपस में एक बैर हो जाता है। लेकिन
इन दोनों के अंदर वो बॉन्डिंग आज तक भी थी, एक ट्रू फ्रेंडशिप का एग्जांपल ये दोनों थे। 54 साल पुरानी थी इनकी दोस्ती और आज फ्रैंको ने आर्नोल्ड को छोड़ दिया है, तो जाहिर सी बात है उसी चीज़ को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने वर्ड्स को। और लास्ट टाइम हमने फ्रैंको को देखा था आर्नोल्ड क्लासिक की 2019 की स्टेज पर, जब कॉफ़ी विद चैंपियंस में आर्नोल्ड और फ्रैंको दोनों बैठे हुए थे, सारे के सारे मिस्टर ओलंपिया जितने भी चैंपियंस थे सारे बैठे हुए थे। और फ्रैंको हमेशा से एक बहुत ही ग्रेट बॉडी बिल्डर, एक स्ट्रॉन्ग मैन, साथ ही साथ एक कायरोप्रैक्टर रह चुके हैं, कई सारी उन्होंने बुक्स लिखी है बॉडी बिल्डिंग के बारे में, और साथ ही साथ एक्टिंग में भी इन्होंने काम करा। टर्मिनेटर मूवी में अगर आपने देखा हो, T-800 जो हम देखते थे, उसमें एक टर्मिनेटर के सीन में फ्रैंको को लिया गया था। तो कई सारी अब चीज़ें हैं जो कि ये पीछे छोड़ गए, और उनके साथ में एक बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग इनको याद रखेंगे। पंपिंग आयरन में जो हमने फ्रैंको और आर्नोल्ड को लिफ्ट्स लगाते हुए देखा, उस तरीके से हम हमेशा इनको याद रखेंगे। और कब से देखते आ रहे हैं, कितनी बार देखी है, जो बॉडी बिल्डिंग फैंस है, पंपिंग आयरन एक बुनियाद थी जब लोगों को मालूम चला कि बॉडी बिल्डिंग हाँ इस तरह से होती है, फिल्म आया गया उसको पहली बार, यही सब लोग तो थे। खैर जो भी है, हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और डेफिनेटली एक वर्ड रहता है हमेशा, रेस्ट इन पीस, तो डेफिनेटली फ्रैंको विल रेस्ट इन पीस, वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। उस इंसान की चीज़ें हमेशा दुनिया में रह जाती है, उस इंसान की यादें जो उसने हमें सिखाया था ना, वो चीज़ें कभी नहीं जाती। इंसान मर जाता है लेकिन उसके थॉट्स नहीं मरते। और यही बोलूँगा कि वी लव यू फ्रैंको कोलंबो, और जो हम सबको सिखा करके गए हैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में, जितने भी लोग आज इतने ऊपर मुकाम तक पहुँचे हैं, इन सबको देख देख के पहुँचे हैं, यही कहूँगा कि लेजेंड्स नेवर डाई, थॉट्स हमेशा रहते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।